तीन बड़ा था, तो इसमें हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय में अध्याय 3 का चौथा चौथे भाग को पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक हमने देखा था कि सक्रियता श्रेणी में तीन भागों में बांटा गया है धातुओं को। तो अभी हमने सबसे निचली सतह पर, सबसे मध्य में, और हम देखेंगे सबसे ऊपर जो धातुएं हैं वो हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं, उनको हम अपचयन विधि से नहीं अलग कर सकते हैं। उसके लिए हम एक विधि काम में लाते हैं, विद्युत अपघटनी विधि। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और भी कैल्शियम अन्य धातुएं हैं जिन जो कि बहुत क्रियाशील होती हैं, उन्हें हम विद्युत अपघटनी विधि से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम धातु हमें प्राप्त करना है तो उसका एक बहुत ही सामान्य यौगिक है सोडियम क्लोराइड, सामान्य नमक। इसके जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये आयनिक यौगिक हैं, तो ये दो प्रकार के आयनों में विभक्त हो जाते हैं, सोडियम धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन। तो इस प्रकार जो सोडियम धन आयन है ये कैथोड पर जमा हो जाएंगे। अब कैथोड और एनोड क्या है अभी हम आपको पुनः बताते हैं यहाँ पर चित्र द्वारा, और जो क्लोरीन है वो एनोड पर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हम सोडियम धातु को कैथोड पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप, ये विद्युत अपघटन करवा रहे हैं, यहाँ पर एक टैंक होता है और यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन लेते हैं, और जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा यहाँ देखिए सेल लगा हुआ है, बैटरी या सेल, इस सेल को हम संकेत के रूप में एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो बड़ी लाइन है वो सेल का धन सिरा और जो छोटी लाइन है वो सेल का ऋण सिरा प्रदर्शित करेगा। तो जो ऋण है उसको हम तार द्वारा एक छड़ से जोड़ देते हैं, कोई भी धातु की छड़ से। तो जो ऋण ये सेल का जो ऋण सिरा जिस छड़ से जोड़ा जाता है वो कैथोड बन जाता है, और धन सिरा जिस छड़ से जोड़ा जाता है वो एनोड बन जाता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के आयन उत्पन्न हो गए, सोडियम धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन। जब इन ये विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो इस प्रकार सोडियम धन आयन ये कैथोड पर एकत्रित हो जाएंगे और क्लोराइड ऋण आयन इस एनोड वाली छड़ के आसपास इकट्ठे हो जाएंगे और गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार हम शुद्ध धातु सोडियम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा चरण है धातुओं का शुद्धिकरण। इसमें भी हम धातुओं को शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करेंगे। जैसा कि आपने पहले देखा वही है, सिर्फ इसके जो विद्युत अपघट हैं वो बदल जाएंगे। आप देखिए यहाँ एक धातु मान लो हम कॉपर हमें प्राप्त करना है, Cu, तो हम कॉपर सल्फेट का, ये देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन यहाँ लेंगे, और ये जो धातु है अशुद्ध धातु है उसको शुद्ध करना है, तो उसका हम एनोड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? मोटी छड़ बना लेंगे। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, अभी हमने बताया कि सेल के धन सिरे से जुड़ा हुआ तो ये एनोड, और सेल के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है तो कैथोड। तो हमने एक अशुद्ध धातु की यहाँ क्या बना ली है, एक मोटा एन छड़ बना लेंगे, मतलब मोटी छड़, और कैथोड एक पतली शुद्ध धातु का बना लेंगे। जब विद्युत धारा हम इसमें क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट है ये दो प्रकार के आयनों में टूटेगा, कॉपर धन आयन और सल्फेट ऋण आयन। और इस प्रकार ये एनोड में से भी कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन यहाँ त्यागेंगे और यहाँ कॉपर धन आयन के रूप में विलयन में आएंगे, और विलयन से इस तांबे की छड़ के पास जो कैथोड बनाया है यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। आप कुछ समय पश्चात देखेंगे कि ये छड़ जो मोटी थी ये पतली होती जा रही है, और ये छड़ जो पतली थी कैथोड के रूप में ये मोटी होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर के आयन धातु के रूप में यहाँ जमा होते जा रहे हैं। और इस प्रकार देखेंगे कि नीचे अशुद्धियाँ, इस क्रिया में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं एनोड पंक।
तो यहाँ पर इस प्रकार शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर उदाहरण लिया गया है कॉपर सल्फेट से कॉपर धातु को निकालना। तो हम इसमें क्या करते हैं, अशुद्ध धातु को हमने एनोड बनाया और शुद्ध धातु को कैथोड बना दिया। और यहाँ जो विलयन लेंगे वो धातु का कोई भी लवण होगा, जैसे हमें तांबा धातु प्राप्त करना है तो हम यहाँ कॉपर सल्फेट ले सकते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो एनोड की धातु तो निकलेगी, साथ में यहाँ पर जो विलयन है उतना ही कॉपर, उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु निकलेगी और ये भी कैथोड में जमा हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर शुद्ध धातु जमा हो गई है और जो अशुद्धियाँ हैं वो नीचे एनोड की तली में नीचे बैठ जाती हैं, जिसे हम एनोड पंक कहते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया किस प्रकार हम धातु प्राप्त करते हैं। अगला हम चलते हैं संक्षारण। आपने पूर्व के अध्याय में भी संक्षारण पढ़ा है, धातुओं का खराब होना, उन पर एक परत जम जाना। तो ये हवा में नमी में लंबे समय तक ये धातुएं हवा में रहती हैं तो उनकी सतह संक्षारित मतलब नष्ट होने लगती है, इस क्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण। आपने सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी की वस्तुएं देखी है ना, काली पड़ जाती हैं, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। तांबा कॉपर, ये भी नमी में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एक कॉपर कार्बोनेट बनाता है, हरे रंग की परत जम जाती है, लोहे में जंग लग जाती हैं। ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। हमें संक्षारण से बचना है तो हम लोहे की चीज़ों पर या धातुओं पर पेंट कर देते हैं जिससे कि उनका ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाए, तेल की परत भी चढ़ा देते हैं। कई लोग, औजार की दुकान होती है आप देखना, औजारों को तेल की परत से ऐसा परत चढ़ा देते हैं, कैंची वगैरह या चाकू में ग्रीस लगा कर भी रखते हैं। यशद लेपन, ये नया शब्द आया, यशद लेपन मतलब लोहे की वस्तुओं पर हम जिंक धातु की परत चढ़ा देते हैं तो इसको यशद लेपन कहते हैं, जिससे कि लोहे की वस्तुओं में ये जंग नहीं लगती है। मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं को हम उनको पिघलाकर बिल्कुल सामंगी मिश्रण बना के उनकी एक मिश्र धातु बना लेते हैं। आपके दैनिक जीवन में आप स्टील का उपयोग करते हैं, वो स्टेनलेस स्टील है, उसमें जंग नहीं लगती है। तो उसमें देखिए क्या क्या मिला रहता है, लोहा, निकेल और क्रोमियम, ये तीनों धातुएं एक निश्चित कुछ उनका अनुपात रहता है, उस अनुपात में मिलाया जाता है तो ये स्टेनलेस स्टील में बदल जाता है और इसमें जंग नहीं लगती है। इस प्रकार हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। और भी मिश्र धातु के उदाहरण है अमलगम। अमलगम वो मिश्र धातु है जिसका एक घटक पारा अवश्य होगा, पारे के अलावा दूसरी धातुएं भी होंगी, तो यदि किसी मिश्र धातु में एक घटक पारा है तो उसको हम अमलगम कहते हैं। अब देखिए पीतल, सभी ने देखा है इसमें कॉपर और जिंक रहता है, तांबा और जस्ता, कांसे में भी तांबा और इसमें टिन, Sn, स्टेनलेस टिन धातु रहती है। सोल्डर एक टांका धातु होती है, इसमें लेड और स्टेनलेस। तो इस प्रकार ये मिश्र धातु मिलाकर हम संक्षारण से धातुओं को बचा सकते हैं। धन्यवाद।